अस्सलामुअलैकुम थिकरटी में खुश आमदीद। इस वीडियो में मैं आपको दो बातें बताऊंगा, आज का टेस्ट कैसे हुआ और कौन सी गलती की और FIA का डेमो कैसे दिया जाएगा। आपने टेस्ट देने के लिए जो स्टूडेंट गए थे उनके लिए रोल नंबर स्लिप, ID कार्ड, वैक्सीनेशन कार्ड और फेस मास्क और साथ ब्लू पर बार पॉइंट वगैरह लेके जाना अलाउ था, और इसके ऊपर वाली जो चार चीज़ें ये लेके जाना कंपल्सरी। और अगर आपका टेम्परेचर 101 से है या इससे ज़्यादा है तो आपको पेपर में एंटर होने की इजाज़त नहीं होगी। आपको मोबाइल फ़ोन लेके जाना, वायलेट की बुक लेके जाना टेस्ट सेंटर के अंदर अलाउ नहीं है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर आप नहीं जा सकते। कोई आर्म एमुनेशन वगैरह ले। बहुत से स्टूडेंट ने यह गलती की कि उन्होंने पेपर देने चले गए लेकिन उनको पेपर सॉल्व करने का तरीका नहीं आता था। तो आप अगर पेपर सॉल्व करने का तरीका जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल देता हूँ, उसमें यह प्रोसेस सारा मौजूद है और साथ साथ मैं आपको गाइड कर रहा हूँ आपने कैसे टेस्ट देना है। सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट पर जाना है, जो आपकी jobs.fia.gov.pk के इसका ये जो पांचवा पॉइंट है आपने इस पर जाके क्लिक करना है। जब इस पर करेंगे तो आपके सामने ये चीज़ आएगी, अगला पेज ओपन होगा। इधर से आपने अपनी स्लिप डाउनलोड करनी है, इधर डेमो पे क्लिक करना है। डेमो पे करने के बाद आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, स्टार्ट डेमो पे क्लिक करें। डेमो पे क्लिक करने के बाद आपने लॉग इन पर क्लिक कर और आपके सामने ये पेज स्टार्ट शो हो जाएगा। आपने इस पर टिक करना है। जब आप इस पर करेंगे तो इस तरह का निशान आ जाएगा। इसके बाद आपने स्टार्ट पेपर पे क्लिक करना है तो आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाएंगे। फर्ज करें जी आपको क्वेश्चन है लिखाएगा, 26 क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन ये जी आपके सामने आ रहा है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है। अभी आपने क्या करना है, किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। हम इधर जब क्लिक करेंगे तो आप ये देखें इधर नीचे कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसका कलर चेंज हो गया, अब आपने इस पर सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक तो सेव पे क्लिक करने के बाद हमारा ये वाला कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया है। अब आप नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं और आखिरी क्वेश्चन पे भी जा सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की हमने ऑप्शन सेलेक्ट की और ये होगी ब्लू। ब्लू होने के बाद आप देख रहे हैं ये वाले डिसेबल हो गए और हमने इस पर क्लिक किया, ये हमारा क्वेश्चन सेव हो गया। दूसरा सवाल इसी तरह हमने ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हमने छठे क्वेश्चन तक अभी हमने सॉल्व कर दिए। छठे क्वेश्चन के बाद अभी हम ग्यारहवां सवाल सॉल्व करना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपने ये जो बटन है इसको क्लिक करके आगे हम ले गए, इधर सी डी आगे लेके ग्यारहवें पे चले गए। अब हम ग्यारहवें क्वेश्चन अपना सॉल्व करें, टिक करेंगे, वही चीज़ है। जब टिक करने के बाद हम सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे चले जाएंगे और इसको हम बैक साइड पे करके पिछले क्वेश्चन ले जा सकते हैं और वो भी सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसी तरीके से जो 15 सवाल सॉल्व कर दिए, सॉल्व करते करते आपने अपना जो पेपर है वो सॉल्व कर देना। और अगर आप चाहते हैं आप अपने पेपर को खुद फिनिश कर दें तो फिनिश करने का तरीका ये है, ये नीचे आपके पास बटन नज़र आ रहा है क्लिक हियर टू फिनिश योर एग्जाम, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन शो आ जाएगी। आपने एक सवाल किए या 50 किए, जो भी किए वो आपके सामने शो हो जाएंगे। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, अगर आप ठीक है आप मजीद नहीं करना चाहते आप इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे टिक हो जाएगा, उसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक। जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपने एक दफ़ा ओके पे क्लिक कर दिया आप दोबारा इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप कैंसिल करेंगे तो फिर आपको पेपर स्टार्ट होगा, नहीं तो ओके पे क्लिक कर दें तो आपका पेपर फिनिश, फिर आपकी स्क्रीन पे ये मैसेज आ जाएगा थैंक यू। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।